हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा संसाधन है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है छत्तीसगढ़ के उद्योग को डिस्कस किया था। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको छत्तीसगढ़ स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बने मिलेगा जहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन। देखिए, इसको देखने से पहले आप जो है इकोनॉमिक सर्वे को भी जो है देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है जो डाटा है, जो योजनाएं हैं, ठीक है, उनको मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। इससे पहले मैंने जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो बनाए थे, उसमें अपलोड किए गए हैं। उसमें मैंने जो है ऊर्जा से संबंधित या विद्युत से संबंधित जो भी डाटा है या जो भी योजना चल रही है उनको मैंने उसमें बताया था, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 करके जो प्लेलिस्ट बना है वहां से आप जो है इकोनॉमिक सर्वे को देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ऊर्जा को जो है मुख्यतः दो भाग में बांटा जाता है, आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे बस हम हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि दो तरह की ऊर्जा होती है, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा जो होती है वो होती है जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये जो एनर्जी है वो जो है आपके परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आती है। दूसरी है गैर परंपरागत ऊर्जा, जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, बायोगैस है, ये जो ऊर्जा है वो जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आती है, या आपको आप इसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, और ये होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब यहाँ पे देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में ऊर्जा को पढ़ते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो विद्युत उत्पादन में जो है ताप विद्युत मुख्य है, ठीक है? मतलब बहुत ज्यादा जो है अगर विद्युत है या एनर्जी जो हम है छत्तीसगढ़ में तो वो है ताप की, तापी ऊर्जा जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन पूछा भी गया था तो इसको ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो देखो जल और कोयला जो है बहुत ज्यादा जो है आपके कोरबा जिले के आसपास होते हैं, इसलिए वहां पे जो है सबसे ज्यादा जो है विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे? कोरबा पे। और यहाँ पे पहला विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था 25 जून 1957 को, ठीक है? इसको याद रखिएगा। विद्युत के लिए जो है छत्तीसगढ़ एक संपन्न राज्य है और ये जो है देश के का पहला जीरो पावर कट राज्य है, ठीक है? मतलब छत्तीसगढ़ को देश का पहला जीरो पावर कट राज्य का दर्जा प्राप्त है, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये है देश का पहला बिजली कटौती मुक्त प्रदेश भी कौन सा है, तो आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे जो है राज्य विद्युत मंडल को देख लेते हैं। काफी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, काफी बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक ही क्वेश्चन जो है आपके स्थापना से दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना जो हुई थी 15 नवंबर 2000 को हुई थी। कई ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कई स्टूडेंट जो है इसको 1 नवंबर लगा के आते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए 15 नवंबर। वहाँ पे जो है यहीं पे जो है डेट को कंफ्यूज करके देता है, जैसे आपको 1 नवंबर दे दिया, 12 दे दिया, 13 दे दिया, तो आपको याद रखना है जब छत्तीसगढ़ बना था 2000 में, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को, और 15 नवंबर, ठीक है, 15 दिन बाद जो है राज्य विद्युत मंडल का जो है गठन किया गया था। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप इसको कंठस्थ रखिएगा, ठीक है? जैसे ही छत्तीसगढ़ बना उसके 15 दिन बाद जो है छत्तीसगढ़ को बिजली दे दी गई, इस तरह से आप जो है इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, तो रायपुर में है, ठीक है? देखिए, राज्य जब बना था उस टाइम जो है विद्युत उत्पादन क्षमता जो है छत्तीसगढ़ की राज्य की जो कितनी थी, 1360 मेगावाट थी, ठीक है? लेकिन वर्तमान में जो है ये 3224.7 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता हो गई, जिसमें जो तापी क्षमता है, तापी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक है, ठीक है, 380 मेगावाट, और जल का है 138 और अन्य है 6 मेगावाट। इसको पूरे डिटेल में मैंने जो है इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाया हुआ है, तो आप जो है इकोनॉमिक सर्वे को जरूर देखिएगा, वहां से ही ज्यादातर जो है क्वेश्चन, यहाँ से फैक्ट पूछे जाएंगे, डाटाबेस जो क्वेश्चन आएंगे, योजना से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे को जरूर देखिए, ठीक है?
चलिए आगे देखते हैं ताप विद्युत। तो देखिए ताप विद्युत होता क्या है, तो देखिए जो विद्युत का जब हम उत्पादन करते हैं, तो जिस विद्युत का उत्पादन हम कोयला से करते हैं, ठीक है, वो जो होता है क्या होता है, ताप विद्युत होता है। ताप विद्युत जो है कोयले से जब हम विद्युत उत्पादित करते हैं तो वो जो है ताप विद्युत कहलाता है। और ताप विद्युत के लिए कुछ संयंत्र स्थापित किए गए हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक है आपका NTPC जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक सुपर ताप विद्युत केंद्र है, क्या NTPC, ठीक है, सुपर थर्मल जो है विद्युत केंद्र है, और ये कहाँ है, तो कोरबा में है, ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1978 में हुई थी। ध्यान रखिएगा योजना से पूछ दिया जाता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है NTPC की स्थापना कोरबा में की गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी BSP का भी पूछा जाता है, BSP का भिलाई स्टील प्लांट का, तो ये जो है कब स्थापित किया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम, तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे उत्पादन कब शुरू हुआ, तो 1983 में जो है यहाँ पे उत्पादन स्टार्ट हो गया था। सहयोग देखते हैं, तो ये जो है NTPC जर्मनी के सहयोग से जो है ये स्थापित की गई थी, और उत्पादन क्षमता जो है इसकी कितनी है, 2600 मेगावाट है, ठीक है। ये जो है किन किन को विद्युत, किन किन स्टेट की जो है विद्युत को पूरा करता है, विद्युत आपूर्ति करता है, तो एक तो छत्तीसगढ़ की है, दूसरा मध्य प्रदेश को भी ये विद्युत प्रोवाइड करवाता है, गोवा को भी, महाराष्ट्र को भी, और गुजरात को भी। देखिए इसके लिए जो है कच्चा माल क्या चाहिए, कोयला चाहिए, और जो है आपको कोरबा से ही प्राप्त हो जाता है, और जल जो है वह कोरबा में ही जो हसदेव नदी है वहां से जो है इसको जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिए लैपी में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप इन चीजों को थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि थोड़ा इसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो इसको माइंड नहीं कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं NTPC सीपत जो बिलासपुर में है, ठीक है। ये जो है इसका नाम जो है, इसको राजीव गांधी ताप विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है, ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 2002 में हुई थी, किसकी, सीपत की, NTPC सीपत की। उत्पादन जो है इसमें शुरू हुआ था 2008 में, इसको ध्यान रखिएगा। विशेष देख लेते हैं, ये जो है बायलर तकनीक वाला जो है देश का प्रथम संयंत्र है। बायलर तकनीक मतलब सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाला, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो ये जो है देश का जो है प्रथम संयंत्र है, ठीक है, बायलर तकनीकी वाला। और जल आपूर्ति इसको भी जो है कहाँ से प्राप्त होती है, तो जो हसदेव बैराज है वहां से जो है इसको जल की आपूर्ति होती है। मड़वा तेंदु भाटा ताप संयंत्र देख लेते हैं, इससे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया था, और इसको जो है डाटा इसका पूरी तरीके से देखने के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बस हम इसके फैक्ट को याद करते हैं। तो मड़वा तेंदु भाटा ताप विद्युत संयंत्र की जो है ये बना कब था, 2016 में, और कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में पूछा गया है। जांजगीर चांपा में कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में। क्षमता है 2500 मेगावाट की जो है क्षमता है मड़वा तेंदु भाटा ताप की, ठीक है, तो ये ताप कितना देखा है, 1000 मेगावाट। प्रस्तावित है यहाँ पे दो याद रखिएगा, भैयाथन ताप विद्युत परियोजना सूरजपुर में, बुंदेली ताप विद्युत संयंत्र जो है कोरबा में। ऐसे बहुत सारे हैं जल विद्युत ताप विद्युत, लेकिन यहाँ पे हम जो है जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे करेंगे, एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें चीजों को याद भी रखना होता है, तो इम्पोर्टेंट चीजों को ही याद रखिए ताकि लंबे समय तक याद रहे। और रही जल विद्युत की बात, तो जब हमने जल संसाधन पढ़ाया था, नदी के बारे में बताया, तो उसमें मैंने आपको सारी परियोजना है उन सारी चीजों को पढ़ा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्रेडा थोड़ा सा कि ये क्या है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट है, ठीक है, ये क्या करता है, जो व्हीकल जहाँ पे अगर लगता है कि यहाँ पे जो है अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, अगर किसी जगह पे उनको लगता है छत्तीसगढ़ में कि हाँ इस जगह पे जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत मिल सकते हैं, तो वो जो है गवर्नमेंट को इसकी जानकारी देता है, कौन, क्रेडा। तो ये है छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और रायपुर में, ठीक है, और क्रेडा के द्वारा ही रायपुर में जो है एक पार्क स्थापित किया गया है, ऊर्जा पार्क, ठीक है। तो इतनी चीजों को आपको याद रखना है। देखिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।